हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई एम सुरेखा वर्मा यूअर इंग्लिश टीचर ओके स्टूडेंट्स ना टुडे वील स्टडी अबाउट द चैप्टर नंबर फोर रोटेटिंग व्हील रोटेटिंग मीन्स घूमने वाला व्हील ओके इन दिस लेसन वी शुड नेवर बी ग्रेडी टू पजेस थिंग्स वी शुड बी सेटिस्फाइड विथ वॉट we हाव हमें हमेशा खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है हमें कभी भी किसी भी चीज़ की लालच नहीं करनी चाहिए वर्क हार्ड फॉर द थिंग्स दैट वी डिज़ायर टू हाव अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए हार्ड वर्क करना चाहिए मेहनत करनी चाहिए कोई भी चीज को हासिल करने के लिए ना स्टूडेंट्स इन दिस लेसन There are four friends. Okay. See, you can see the four friends. One, two, three, four. Four friends are there. Now, I will read one, one paragraph and then I will explain it. Once upon a time, there lived four friends in a village. They were very poor. They wanted to earn a lot of money. बट डिडेंट नो हाउ टू डो इट देवर वेरी पुअर वो बहुत गरीब थे ओके okay? और उन्हें लेकिन उन्हें क्या चाहिए था उन्हें बहुत ज़्यादा धन चाहिए था लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था उन्हें क्या करना चाहिए लॉट ऑफ थिंकिंग देाइडेड टू लीव देयर विलेज एंड गो टू समर एल्स इन सर्च ऑफ वेल्थ के आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग बहुत सोचने के बाद में उन्होंने क्या डिसाइड किया टू लीव देयर विलेज वो विलेज छोड़ना है और गो समेयर कहीं और दूसरी जगह जाना है किस लिए इन सर्च ऑफ वेल्थ धन की तलाश में उन्हें दूसरी ओर जाना है सो आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ जर्नी देर रिच प्लेस देर रिच अ प्लेस कॉल्ड अवंती बहुत घूमने के बाद में कुछ दिनों के बाद में वो उनकी सफ़र के बाद वो कहाँ पहुँचे एक जगह पहुँचे उसका नाम क्या था अवंती द फोर फ्रेंड्स फर्स्ट बाथ इन द नियर बाय रिवर शिप्रा एंड दे वर्शिप इन अ टेम्पल वो फोन फ्रेंड्स कहाँ पहुँचे एक नदी के पास पहुँचे जिसका नाम क्या था शिप्रा रिवर और उन्होंने उस नदी में स्नान किया और मंदिर के सामने गए पूजा करने के लिए देर इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल दे मीट अ सेग नेम भैरवानंद एक मंदिर वहाँ उस मंदिर के सामने उन्होंने एक सेग एस ए जी सेग मीन्स होली पर्सन होली मैन मतलब एक साधु संत पुजारी उनका नाम क्या था भैरवानंद वो उन्हें वहाँ मिले दे बो बिफोर इन रिस्पेक्ट उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में दिस सेग आस्क फ्रॉम वेयर हैव यू कम वॉट्स द पर्पज ऑफ यूर विजिट टू दिस टाउन उस सेग ने उस साधु ने उनसे क्या पूछा आप यहाँ क्यों आए हो आपके यहाँ आने का क्या कारण है वी फोर आर फ्रेंड्स सेट वन ऑफ दे उनमें से एक ने क्या कहा हम चारों को ने दोस्त है ऑल ऑफ अस आर वेरी पुअर हम सभी कैसे हैं बहुत ही गरीब है सो so, क्या कहा हम बहुत गरीब है इन अ बीड ऑफ ट्राई अवर विलेज एंड नाउ वी आर हियर उन्होंने क्या कहा हम बहुत कोशिश करने के बावजूद हम यहाँ अपना लक आजमाने के लिए यहाँ आए हैं अपना विलेज छोड़कर सिंस यू आर एन इमिनेंट सेग आप हमें कैसे दिख रहे हो बहुत ही इमिनेंट से बहुत ही महान पुरुष दिख रहे हो वी एक्सपेक्ट यू काइंडली टू हेल्प अस बिकम वेल्थ वेल्दी हमें बहुत अमीर बनने के लिए आप ही हमारे मदद कर सकते हो अंडरस्टूड एवरीवन वन भैरवानंद वॉज वेरी प्लीज विथ दो फोर फ्रेंड्स ही गेव हेम ही गेव देम फोर कॉटन पिक्स वन टू एच ऑफ देम एंड सेट go in the direction of the himalayas carrying the wicks in your hands as whatever places your wicks drop dig up that spot collect the buried treasure wherever it is and return home अब उस भैरवानंद ने क्या कहा साधु ने कहा उस चारों दोस्तों को उन्होंने एक क्या दिया कॉटन विक्स दिया कॉटन विक्स मतलब कॉटन की बत्ती कॉटन मतलब रुई रुई की बत्ती दी और उन्होंने कहा कि आप सभी एक हिमालय के डायरेक्शन में जाना है गो इन द डायरेक्शन ऑफ द हिमालय हिमालय के डायरेक्शन में आपको जाना है वो कैरिंग द विक्स इन योर हैंड्स वो बत्ती को अपने हाथ में लेकर एंड वॉट एवर प्लेसेज यूर विक ड्रॉप जहाँ भी इस बत्ती को ये बत्ती गिरेगी आपको क्या करना है उस स्पॉट को आपको खोदना है और वहाँ पे जो भी आपको ट्रेजर मतलब जो भी धन दौलत मिलेगी उसे लेके आपको सीधा घर वापस चले जाना है द फोर फ्रेंड्स बिकेम वेरी हैप्पी दे सेट ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द हिमालय वो चारों फ्रेंड बहुत हैप्पी हो गए बहुत खुश हो गए और वे उस डायरेक्शन की ओर हिमालय के डायरेक्शन की ओर निकल गए दे हैड हार्डली कवर्ड सम डिस्टेंस इन हिमालय द बिग फेल फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द वन ऑफ द फ्रेंड अब क्या हो गया उसमें से वो चारों फ्रेंड जाने लगे लेकिन उसमें से एक फ्रेंड जो था उसके हाथ से वो बत्ती नीचे गिर गई ही क्विकली अप द स्पॉट एंड अनकवर्ड ट्रेजर ऑफ कॉपर उसके हाथ से जो बत्ती गिर गई जहाँ उसने तुरंत ही उसे डिग किया खोदा उस प्लेस को उस प्लेस पे देखा उसने उसे क्या मिला ट्रेजर ऑफ़ कॉपर एक कॉपर का उसको दौलत धन मिला ठीक है

he called his two friends and asked them to pick up their share of the silver and return home but the other two called him stupid and continued with their journey the one who had dug up the treasure returned home with the veil.